अभियान में दोबारा से आने का एक मकसद है। मैं जो भी इंटरव्यू दे रहा हूं, आप मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ा देने के लिए उसको तोड़ मोड़ के डाल रहे हैं। अब भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें भी सेम हो रहा, आप पूरा तोड़ मोड़ के बता रहे हैं। और मेरी आवाम हमेशा की तरह अपनी मासूमियत में इसको गलत अंदाज में ले ले रही। आवाम तो आवाम, मेरे साथ फिरने वाले, मेरे ऑफिस में आने वाले फिरोज खान बोल गए, आके इस बात का फायदा उठाने वाले हो गए, आवाम को और गुमराह कर रहे मेरे लोग। बहरहाल मैं वो मीडिया जो भी है उस पे मैं जरूर लीगल एक्शन लूंगा जो मुझे बदनाम कर रहा। वो कहावत है ना, अल्लाह जो भी करता अच्छे के लिए करता। ये कंट्रोवर्सी के बाद सारे चेहरे मेरे सामने ला दिया, जो आस्तीन के सांप बन के कांग्रेस में फिरोज खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से हसद में आकर साजिशें करते, मेरे खिलाफ बोलते, मेरे अपोजिट बोलते। अल्लाह उनको सेहत दो, अल्लाह उनको अच्छा रखो। मेरी आवाम को ये सब चीजों से गहरा असर पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाम मेरी इस बात को समझे जो मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो तोड़ मोड़ के डाल रहे हैं, और मेरी जो मैं असल जो बोलना चाहा वो आप तक नहीं पहुंचाए। इसके बावजूद अगर मेरी आवाम को शिकायत है तो मैं फिरोज खान बेशरत आपसे माजिरत चाहता हूं। फॉर माई पीपल, मुझे आप सबसे मोहब्बत है, मैं आपका दिल दुखाने का काम नहीं कर सकता, मैं आपका कभी भी भरोसा नहीं तोड़ूंगा, आप मेरे पे भरोसा रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।